विनीता रतोनिया, आराधना तेरी करूं माँ शारदे, माँ शारदे, आराधना तेरी करूं कदम में ऐसे हो कर्तव्य से परमार्थ हो मेरी वाणी में अमृत मिले, जनहित का तुम वरदान दो, पूजा तेरी करती रहूं माँ शारदे, माँ शारदे, आराधना तेरी करूं, मन मेरा विचलित न हो इस मोह माया जाल में, तेरे नाम का मुझे दुख मिले, तेरे ही आशीर्वाद से निस्वार्थ जन सेवा करूं, माँ शारदे, माँ शारदे, आराधना तेरी करूं। थैंक यू विनीता। नाउ वी आर प्राउड टू हैव द ऑनरेबल प्रोफेसर कपिल देव मिश्र, वाइस चांसलर रानी दुर्गा विश्वविद्यालय जबलपुर विद अस एज द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज इनॉग्रल फंक्शन। आई एक्सटेंड माई वॉर्म वेलकम टू यू सर। इट्स माई प्लेजर टू वेलकम डॉक्टर इट्स माई प्लेजर टू वेलकम द रिसोर्स पर्सन ऑफ टुडेज कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अमर पाजारे, प्रोफेसर सोमैया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई, डॉक्टर दीपाली जाट, प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम द बैकबोन ऑफ दिस कॉलेज रिस्पेक्टेड डॉक्टर एएल महोबिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर। आई वेलकम डॉक्टर आर के श्रीवास्तव सर, coordinator of the World Bank to this conference. He has been a constant support and guide throughout. Last but not the least, I welcome all the eminent speakers, academicians, delegates, professors, participants, research scholars, and students from different parts of India who have joined us today to share their knowledge and experience with us. Now I invite Dr. Sunita Sharma, head of the Department Zoology and Biotechnology, to share the objective of the conference with us. Dr. Sunita Sharma, madam. नमस्कार। आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका टॉपिक है चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर और इन्वायरमेंटल सोसाइटी एनवायरमेंटल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ खजुराहो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने जा रही है। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ एमपी का उद्देश्य है, ये सेमिनार मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत आभासी मंच पर आयोजित होने जा रही है। आभासी मंच के माध्यम से हमसे लगता है ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को आभासी माध्यम से रखा गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी,
जो कि अपने सहज स्वभाव के कारण हम सबके बीच में जब भी बुलाएं सर आते हैं। सर आपका डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता के रूप में यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अमर पजारे, प्रोफेसर सोमालिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई महाराष्ट्र। दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर दीपाली जाट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश। आप सबका आज की कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे महाविद्यालय के ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर ए एल महोविया सर, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम सभी कार्यक्रमों को आयोजित कर पाते हैं, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है। सर भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड बैंक डॉक्टर आर के श्रीवास्तव सर, साथ ही साथ डॉक्टर अश्विनी दुबे जो कि खजुराहो एनवायरमेंटल वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं और खजुराहो के जो कॉलेज है वहां पर जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रोफेसर हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर्स, साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स, ये साथ ही साथ जो रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ये कॉन्फ्रेंस जिसका विषय है एडवांसमेंट चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, तो हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ विषय है और बायोलॉजिकल साइंस में इतने अधिक एडवांसमेंट आज के समय हो चुके हैं कि आप ये देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड हो, इन्वायरमेंट का फील्ड हो, मेडिसिन का फील्ड हो, डिसीज डायग्नोसिस का फील्ड हो, ये सभी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और ह्यूमन लाइफ को सहज बनाने के लिए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। आज बायोलॉजिकल साइंस डीएनए फिंगर टेक्नोलॉजी से लेकर के हम देख रहे हैं कि हर तरह की चीजों को अनरेवल कर चुका है या ओपन कर चुका है, हर उसके छुपे हुए जो पहलू थे उनको ओपन कर चुका है और उसके द्वारा किस प्रकार से ह्यूमन का सपोर्ट किस तरह से किया जा सकता है ये देख रहे हैं। किंतु हम ये देखते हैं कि चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते लाइफ में और इस चीज को हमारे साइंटिस्ट, केवल हमारे यहाँ के नहीं पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट भी महसूस कर रहे हैं कि हम कितना भी एडवांस हो जाएं लेकिन हमारे बीच में चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने COVID-19 पैंडेमिक के समय देखा कि अचानक हमारे सामने एक चैलेंज आकर के खड़ा हो गया और उस चैलेंज को समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग क्रियान्वयन करना या एक्शन लेना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मिलकर के इस चैलेंज का सामना किया, इस चैलेंज में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ढूंढी, साथ ही साथ हमारे भारत ने भी इस पूरे समय बहुत अच्छे से काम किया और ना केवल काम किया बल्कि कोविड की वैक्सीन डेवलप की और ना केवल वैक्सीन डेवलप की बल्कि जन साधारण को बड़ी सहजता से उपलब्ध। तो बायोलॉजिकल साइंस में ढेरों संभावनाएं हैं, ढेरों अपॉर्चुनिटी हैं और ढेरों चैलेंजेस हैं और इनका सिलसिला
अभी तक चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि किसी विषय पर सोचने के लिए हम सभी को ऐसे लोगों को एक साथ में लेकर के आ जाते हैं, लाते हैं, जो कि विषय से जुड़े हुए होते हैं और वो अपने अपने फील्ड के आइडिया को एक प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज कर सकें। और आइडिया एक्सचेंज और नॉलेज शेयरिंग आज का सबसे बड़ा जो है जरूरत है, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस उद्देश्य आयोजित करने के पीछे हमारा उद्देश्य या सभी का उद्देश्य यही रहता है कि इस तरह से आइडिया शेयर करने से हमको उस फील्ड के में आगे और क्या कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनको हम किस प्रकार से अपने उपलब्धि में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उद्देश्य होता है। और विषय को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उस जिस जितना ज्यादा विषय की गहराई में जाएंगे, समझेंगे, उतना ही हम किसी न किसी तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। तो आए और हम सब मिलकर के इस दो दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है उसको सफल बनाएं, ऐसा आह्वान है। और निश्चित ही इस प्रतियोगिता इस जो कॉन्फ्रेंस में जितने भी प्रतिभागी होंगे वो कॉन्फ्रेंस के लास्ट में कुछ ना कुछ लेकर के, ये ही कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर वर्षा मैडम से कहेंगी कि वो आगे की कार्यवाही प्रस्तुत करें। थैंक यू मैडम, निश्चित ही आपने जो शब्द कहे हैं वो सफल होंगे। मैं सबको बताना चाहूंगी कि इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 150 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 24 पेपर हमारे पास आए हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, नागालैंड, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, डिफरेंट स्टेट से हमारे पास लगभग 24 पेपर आए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आई नाउ इनवाइट अवर डायनेमिक प्रिंसिपल डॉक्टर AL महोबिया सर टू शेयर हिज व्यूज विद अस। डॉक्टर AL महोबिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। थैंक यू मैडम। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर एवं एनवायरमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी खजुराहो, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये जो सेमिनार आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से इसका जो विषय है चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्निकल साइंस, ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है, बहुत ही बृहद एरिया है और आज हर क्षेत्र में, जैसा भी डॉक्टर सुनीता शर्मा मैडम ने बताया कि ना केवल जो है ह्यूमन लाइफ के लिए तो सारी चीजें हैं ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है हम सब जो जीव जगत है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे आपका पौधे जगत हो, पेड़ पौधे हो, इन सब के लिए जो है बहुत ही बृहद खोजें की गई हैं और निश्चित रूप से इन सारी चीजों को खोजने के बाद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मानव जीवन को ही जो है प्रभावित कर रही हैं। हम जैसा भी मैडम ने बताया कि मानव जीवन को कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ये इसके लिए जो तरह की खोजें की गई, ना केवल खोज की गई बल्कि उनका एप्लीकेशन करके, उनका प्रयोग करके और मानव जगत को लाभान्वित किया गया। आज का ये जो विषय है, इस विषय में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, परम सम्मानी डॉक्टर कपिल देव मिश्री जी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति, मैं उनका जो हृदय से
धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि जब कभी ऐसे अवसर आते हैं वो हमारे साथ जुड़ के हमारे न केवल हमारे कॉलेज के प्राध्यापक साथियों को बल्कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को और इस शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोगों को अपने उद्बोधन के द्वारा अपने अनुभव के द्वारा सबको लाभान्वित करने का जो है प्रयास करते हैं, लाभान्वित करते हैं। तो मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय देव जी का जो है हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। दूसरी आज के मुख्य वक्ता जैसा अभी मैडम ने बताया कि डॉक्टर बजारे साहब जो मुंबई से हैं आज के मुख्य वक्ता हैं, उनका भी जो है मैं हृदय से स्वागत करना चाहूंगा महाविद्यालय की टीम के साथ हमारे विद्यार्थियों के लिए जो उनका उद्बोधन प्राप्त होगा बहुत ही जो है लाभप्रद होगा। और साथ ही डॉक्टर दीपाली जाट जो रानी जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से हैं उनका भी जो है महाविद्यालय परिवार में महाविद्यालय के साथ जुड़ करके अपने महाविद्यालय में भी डला महाविद्यालय शेयर करने के लिए उनका भी जो है धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत पीछे चला जाता है। साथ ही इष्ट सेमिनार के माध्यम से जो हमारे सभी प्रतिभागी हैं जो इस कहना चाहिए कि मुहिम को बहुत आगे तक ले जाना चाहिए, जो यंगर हैं वो आगे जाएंगे, जो एट प्रेजेंट जो काम कर रहे हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब सिखा करके आगे जो है इसको और बढ़ाएंगे। ऐसे समस्त जो है प्रतिभागियों को भी जो है मेरा बहुत बहुत जो है धन्यवाद। विषय जो है बहुत विस्तृत है और निश्चित रूप से आज के जो वक्ता है बहुत ही कहना चाहिए अपने अनुभव को आपके साथ करेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इस विषय में जो विषय के विशेषज्ञ हैं वो आप सबके बीच अपनी बात रखेंगे और इसी कड़ी के साथ इसी उसके साथ मैं डॉक्टर वर्षा अगलावे को कहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स एंड फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग अस। Without your support, this conference would not have been possible. Thank you so much. Now, I am highly obliged to call upon our honorable chief guest, respected Professor Kapil Dev Mishra sir, Vice Chancellor, Rani Durgavati Vishwavidyalaya Jabalpur, to share his kind words with us. Respected Kapil Dev Mishra sir. Thanks, madam. Bahut bahut dhanyawad, Dr. Varsha ji. गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर योम जिसके डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी खजुराहो के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में जिसका विषय अत्यंत प्रासंगिक है, ऐसे विषय का चयन करने वाली जो टीम है हमारे प्राचार्य अनन्य प्रोफेसर एल महविया साहब, डॉक्टर प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी जो संयोजक हैं और आज के जिनका नाम अभी ले रहे थे डॉक्टर अमर आजरे साहब प्रोफेसर जो मुंबई से जुड़े हैं और डॉक्टर दीपाली जाट जी जो एमपी से हैं, ऐसे विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे सम्माननीय खजुराहो से डॉक्टर अश्वनी कुमार दुबे जी, सम्माननीय सभी हमारे प्राध्यापकगण, छात्र छात्राएं, अन्य वरेण्य विद्वज्जन। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, नवरात्र का पांचवा दिन चल रहा है, शक्ति की उपासना सभी कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सबको पता है कि आज भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नाना जी
और समग्र क्रांति के अग्रदूत जिनको जयप्रकाश जी का की जन्म जयंती है और फिल्म जो सिनेमा जगत है उसके भी महानायक का नाम लिया जाता है, आप सब मुस्कुरा दिए, तो बड़ा ही शुभ दिन है। ऐसे ऐतिहासिक क्षणों पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं महाविद्यालय परिवार को और हमारी खजुराहो सोसाइटी को जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया है, क्योंकि 21वीं शताब्दी जिस विषय का चयन आपने किया है उसके विशेषज्ञ उसकी व्यापकता और उसके विराट स्वरूप पर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि जीवों की शास्त्र सम्मत या अन्य जो चर्चा होती है 84 लाख जीवों की कोटि है। उस 84 लाख जीवों के जो योनि है उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वर्चुअल माध्यम से ये टेक्नोलॉजी के और विज्ञान की देन है। 21वीं शताब्दी में जो प्रमुख कवि विज्ञान ही सब कुछ था, आज सूचना का युग है, जिसके पास सूचना है इंफॉर्मेशन इज पावर, एक समय कहा जाता था नॉलेज इज पावर। आज सोशल मीडिया पर जिसके नियंत्रण है और जिसकी पकड़ है संपूर्ण व्यवस्था में, वो अग्रगण्य दिखलाई पड़ता है और दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन विज्ञान के बिना भौतिकता शून्यता को प्राप्त होती है। आज मनुष्य सब कुछ प्राप्त है किंतु किन्हीं कारणों से शारीरिक मानसिक बौद्धिक भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं परेशान या खिन्न है। हर व्यक्ति ये चाहता मैं सुखी रहूं प्रसन्न रहूं। विज्ञान सुख के लिए, जो विज्ञान सर्व मंगल की, जो हम कहते हैं सर्वे भवन सर्वे भवन सुखिना, जो विज्ञान सभी के सुख की कामना करे वो विज्ञान विज्ञान नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से जब से इतिहास की सृष्टि की शुरुआत होती है तो विज्ञान दोनों दिशाओं में चला है, टेक्नोलॉजी भी और विज्ञान के साथ वो दैवीय शक्तियों से भी ओतप्रोत रहा और आसुरी प्रवृत्तियों से भी ओतप्रोत रहा, और इसीलिए विज्ञान को वरदान और अभिशाप दोनों रूपों में याद किया जाता है। लेकिन आज जो चुनौतियां हैं जिस विषय का चयन किया है डॉक्टर सुनीता जी और डॉक्टर साहब ने सभी ने मिल करके, उस विषय पर निश्चित है कि कोरोना संक्रमण आया, लेकिन हमारे चिकित्सकों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने अपने विलक्षण प्रतिभा के आधार पर, अपनी खोज अनुसंधान और नवाचार के आधार पर समाज और राष्ट्र को सबसे पहले वैक्सीनेशन की व्यवस्था की और वैक्सीन दी, जिसका मंगल स्वरूप हम सबको दिखलाई पड़ रहा है। आगे भी चुनौतियां बहुत हैं जिन पर बात हो रही थी, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज एप्लीकेशंस सभी पर चर्चा होगी। एक शिक्षक आचार्य होने के नाते अपने लोग ये सोचते हैं कि जब आज इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस, कौन कितना खुश है, कौन कितना प्रसन्न है, चाहे विज्ञान की कोई भी धारा हो जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं या अन्य कोई भी धारा हो, वो धारा व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और वैश्विक मंगल की कामना अनुसंधान के माध्यम से देने में सक्षम हो, वही विज्ञान सच्चा विज्ञान है। और हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उसी दिशा में सनातन काल से कार्य करते आ रहे हैं, आज भी उसी मंगल अवधारणा को समाज के लिए समर्पित करके दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये संगोष्ठी निश्चित रूप से जो हमारे खजुराहो की संस्था है और हमारा महाविद्यालय परिवार दोनों मिलकर के
जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जिनके ज्ञान का की धारा से हमारे सोच छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से जो आने वाली चुनौतियां हैं, एक समय था कि भारत में हम सबको पता है कि खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन हम लोगों ने रासायनिक खादों का प्रयोग किया तो आज खाद्यान्न खाद्यान्न की भरपूर मात्रा है। लेकिन अब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, चुनौतियां आई तो हम समाधान भी दे रहे हैं, नेचुरल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जो भी चुनौतियां आती हमारे वैज्ञानिक उसका समाधान देने में सक्षम रहते हैं। और कोई ऐसा अनुसंधान और कोई ऐसा सृजन नहीं रहा जिसमें चुनौती न हो। और ये सही अभी ये बात हो रही थी कि अवसर, चुनौतियों को अवसर में बदलना ही तो भारत ने सीखा है। किसी भी काल से आप लीजिए, चाहे वो इतिहास के द्वारा जो धारा प्रवाहित की गई है अथवा जो हम काल विभाजन करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, अतीत में जो आप देखते हैं हर काल में चुनौती आई है, लेकिन उन चुनौतियों का सम्यक समाधान यहाँ के ऋषि संस्कृत और कृषि संस्कृत के जो पोषक प्रवर्तक, जो वैज्ञानिक चिंतक मनीषी हुए, उन्होंने सदैव इसका समाधान दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई, और पूरी टीम को, प्रोफेसर एल मोहबिया साहब को, डॉक्टर अश्वनी कुमार दुबे जी को, और हमारे जो बॉम्बे से विशेषज्ञ जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर पाजरे साहब, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूं लेकिन विज्ञान सम्मत जीवन जीने की कला सीखने का अवसर महापुरुषों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। आज प्रत्येक, चाहे वो बालक हो, शिशु, छोटा से छोटा जो पैदा होता है, वो समय गया। बार बार अपने लोग चर्चा करते थे कि कभी हम लोगों को एक समय था कि घर पर तो मिलता ही था और स्कूल में भी इशारा, सब समझ गए होंगे, आचार्य जी से, गुरु जी से, सर जो भी हम कहते थे वहां भी मिलता था बोनस में। आज ऐसा नहीं हो सकता, कोई किसी की पिटाई नहीं कर सकता। आज बताना पड़ेगा किन कारणों से विज्ञान सम्मत हर बात बालक बालिका को, छात्र छात्राओं को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को ये बताना होगा। तो आज तो जन जन में वो विज्ञान घुस गया है और वैज्ञानिक तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के सत्संकल्प को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे वैज्ञानिकों का योगदान क्या है, विज्ञान भारती के नेतृत्व में पूरे देश में ये धारा आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आज जो विषय चयन किया है वो विषय, उस विषय पर विशेषज्ञों के माध्यम से हमको भी नवीन नवीन जानकारियां उपलब्ध होगी। जब निष्कर्ष आएगा तो मैं भी उससे लाभान्वित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विज्ञान हो, ऐसी तकनीक हो जो बेकारी को मिटाए, बीमारी को दूर करे, अशिक्षित को शिक्षित कर दे, पर्यावरण जो प्रदूषण से युक्त है पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कर दे, समाज को खुशहाल और हरा भरा बनाए, और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार से मुक्त समाज को बनाए, ऐसा विज्ञान, ऐसी तकनीक का हम आह्वान करते हैं। ऐसा हमारे अनुसंधानकर्ताओं के माध्यम से ऐसा अनुसंधान होगा, इस दिशा में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हमें तो लगता है कि ये एज ए मुख्य अतिथि का उद्बोधन नहीं, की नोट एड्रेस होना चाहिए। आपने विज्ञान को इतने सहज सरल तरीके से सारगर्भित किया, प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर अभी जो रिसेंट एडवांसमेंट हो रहे हैं वहां तक आए। आपके इस उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस उद्बोधन से भी निश्चित ही यहाँ जितने साइंटिस्ट है उनको एक नई दिशा और नया आयाम मिला होगा। थैंक यू सर फॉर सच एनकरेजिंग वर्ड्स, एंड इट इज प्रिविलेज टू हैव यू विद अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर नीलिमा पैकरा टू प्रोसीड विद द वोट ऑफ थैंक्स फॉर दिस इनॉग्रल सेशन। डॉक्टर नीलिमा पैकरा।
जल्दी बोलो। थैंक्स। वॉइस इज नॉट ऑडिबल नीलिमा, प्लीज वॉइस नॉट नीलिमा मैडम, आपका माइक शायद अनम्यूट है, म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आपका माइक। डॉक्टर नीलिमा पैकरा मैडम, आज के इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के अवसर पर मैं डॉक्टर नीलिमा पैंकरा यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्रा जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। आभार है शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य महोबिया सर जी का, जिन्होंने अपनी सहज अनुमति प्रदान कर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही आभार की इस श्रृंखला में प्राणिशास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता मैम का भी धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर आर के श्रीवास्तव सर जी का, जो महाविद्यालय के वर्ल्ड बैंक प्रभारी हैं और उनके सहयोग से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। इसके साथ धन्यवाद की एक श्रृंखला और भी है, और वो है ESW सोसाइटी खजुराहो के डॉक्टर अश्विनी दुबे सर जी का आभार, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो सका। साथ ही मैं अंत में विभाग के सभी प्रोफेसर्स, डेलीगेट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और ऑल पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत